सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको म्यूजिक बीट्स ऐड करना बताएंगे। जैसे कि गाइज, बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब वो बीट्सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करते हैं तो उनको बीट्स ऐड नहीं करना आता है। तो आज मैं वही म्यूजिक बीट्स ऐड करना बताऊंगा आपको। साथ में ही मैं आपको VN वीडियो एडिटर, कैपकट और काइनमास्टर में म्यूजिक बीट्स को कैसे ऐड किया जाता है वो भी बताने वाला हूँ। तो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, यहाँ पे हमने VN वीडियो एडिटर को ओपन कर लिया है और गाइज यहाँ पे हमने न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है और उसमें म्यूजिक भी ऐड कर लिया है। अब इसके बाद गाइज मैं आपको यहाँ पर बीट्स को कैसे ऐड करेंगे वो बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये जो म्यूजिक हमने ऐड किया उसके लेयर पर सिंपली क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ बीट्स का ऑप्शन आएगा। बीट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गाइज आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर गाइज आप दो प्रकार से बीट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, आप ग्राफ की मदद से इस बीट्स को ऐड कर सकते हैं, और नंबर दो में आपको म्यूजिक को प्ले करके बीट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ग्राफ की मदद से म्यूजिक बीट्स को ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपके गाइज देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ दिख रहा है ऊंचा, ठीक है गाइज। जहाँ पे आपका ऊंचा ग्राफ दिख रहा है गाइज, वहाँ पे आपके बीट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऊंचा ग्राफ है, इस तरह से ऊंचे ग्राफ पे आएंगे और आपको यहाँ पर रेड आइकॉन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बीट्स ऐड हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे आपका ऊंचा ग्राफ है वहाँ पे आप सिंपली आपको इस तरह से आना है और रेड वाले आइकन पे क्लिक करना है तो आपका जो म्यूजिक बीट्स है ऐड हो जाएगा गाइज, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से म्यूजिक बीट्स आप आसानी से ऐड कर सकते हैं गाइज। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका बीट्स कोई रॉन्ग ऐड हो गया तो उसको डिलीट करने के लिए सिंपली बीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आएगा। डिलीट के ऑप्शन पर जो क्लिक करेंगे तो बीट्स डिलीट हो जाएगा गाइज, ठीक है। एंड इसी प्रकार से आपको यहाँ पर म्यूजिक के बीट्स ऐड कर लेने हैं, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर चेक करवा रहा हूँ कि हमारा जो म्यूजिक बीट्स हमने ऐड किया वो परफेक्टली ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है गाइज। तो मैं इसे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हमने परफेक्टली बीट्स को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ बीट्स को ऐड करने का, ठीक है। तरीका तो वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है गाइज कि आप म्यूजिक को प्ले कर करके इसे सुन कर करके आपको बीट्स ऐड करना पड़ेंगे। जहाँ पे आपके बीट्स आएंगे वहाँ पर आपको सिंपली रुक जाना और रेड वाले आइकन पे क्लिक करना है तो आपका बीट्स ऐड हो जाएगा। देखिए इस तरह से सिंपली देखिए यहाँ पर एक बीट्स है, इसके बाद प्ले करेंगे, देखिए यहाँ पर है, तो इस तरह से आप म्यूजिक को प्ले करके बीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो दो ही तरीका है म्यूजिक बीट्स को ऐड करने का, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कैपकट में कैसे बीट्स को ऐड करेंगे वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं, उसके बाद कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारा कैपकट वीडियो एडिटर ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट को भी क्रिएट कर लिया है और हमारा म्यूजिक भी ऐड हो चुका है गाइज, ठीक है। अब सिंपली गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको म्यूजिक बीट्स ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक के लेयर पे क्लिक करेंगे गाइज, तो आपको नीचे यहाँ पर एक मैच कट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से इसे जूम कर लेना है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर आप वही दो प्रोसेस फॉलो करेंगे, एक तो ग्राफ की मदद से म्यूजिक बीट्स को ऐड कर सकते हैं, दूसरा गाइज म्यूजिक को प्ले कर करके आप म्यूजिक बीट्स को ऐड कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसे प्ले कर करके कर लें वो ठीक रहेगा, क्योंकि ग्राफ से कभी कभी आपका जो म्यूजिक बीट्स से गलत ऐड हो जाता है गाइज, ठीक है। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप म्यूजिक को प्ले कर करके म्यूजिक बीट्स को ऐड करें। तो मैं आपको यहाँ पर प्ले करके म्यूजिक बीट्स ऐड करके बताने वाला हूँ, ठीक है गाइज। ये वीडियो हमने कल ही क्रिएट किया है, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बीट है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट बीट है। तो इस तरह से इस बीट पे आएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। फर्स्ट बीट है यहाँ पर देखिए, एंड बीट्स पे आएंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐड बीट का, ठीक है। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पीले रंग का एक डॉट लग जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर बीट्स ऐड हो गया गाइज, ठीक है। इसके बाद सेकेंड बीट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आप जब इसे सुन कर करके आप बीट को ऐड करेंगे तो आपको परफेक्टली बीट ऐड करना आ जाएगा, ठीक है।
जब आप खुद अपने से करेंगे तो आपको बीट ऐड करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप बीट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली जब आपका बीट्स आता है तो वहाँ पर देखिए ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पीले का डॉट है, जहाँ पे आपका पीला डॉट है वहाँ पर जब एक कर्सर जाता है तो ब्लिंक करेगा गाइस, जो कि यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आप इसमें बीट्स को ऐड कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है बीट्स ऐड करने का गाइस, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको काइन मास्टर में बीट्स को कैसे ऐड करते हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल है वो भी। सो गाइस, यहाँ पे हमने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है और हमने न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया और म्यूजिक भी ऐड हो चुका है हमारा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको म्यूजिक बीट्स ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले इसे जूम करना होगा, ठीक है। और इसके बाद गाइस देखिए यहाँ म्यूजिक में आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर छोटा छोटा कट दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर भी आप दो तरह से बीट्स को ऐड कर सकते हैं। एक तो गाइस आप म्यूजिक को प्ले करके बीट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बीट को ऐड करने के लिए आपको सिंपली जहाँ पे आपका बीट्स होगा वहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बीट है, इस तरह से बीट्स पे आएंगे और आपको यहाँ ऊपर देखिए रेड आइकन मिल रहा है, देखिए गाइस ऊपर आपको बुक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो रेड वाला 0.0390 लिखा हुआ है, ये आपका बुक मार्क। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा बीट्स ऐड हो गया, हमारा यहाँ पे बुक मार्क लग चुका है, यहाँ पे हमारा एक बीट है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर जहाँ पे आपके बीट्स होंगे वहाँ पे आपको जाना होगा सिंपली, और इस बुक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका बीट्स ऐड हो जाएगा, या फिर बुक मार्क कह सकते हो या फिर इसे बीट्स भी कह सकते हो गाइस, सिंपली एकदम ऐड करना, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसे म्यूजिक को प्ले कर करके इसमें भी बीट्स को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा बीट्स जो है सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बीट्स गाइज बहुत परफेक्टली ऐड हो चुका है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप म्यूजिक को प्ले करके यदि बीट्स को ऐड कर सकते तो बहुत ही आसान तरीका है और आपका गलत भी नहीं होगा। यदि आप मान लीजिए इसमें कोई रॉन्ग बीट्स ऐड हो जाता है तो सिंपली आपको बीट्स पे जाना है और आपको जहाँ पे आपका ब्लू कलर हो जाता है उसी पे क्लिक करेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। देखिए अभी करता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, बीट्स क्यों डिलीट नहीं हो रहा है? सॉरी गाइस, यहाँ पे बीट्स डिलीट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, ये तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एकदम परफेक्टली बीट ऐड कीजिएगा, नहीं तो बीट सी डिलीट नहीं होगा आपका, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है गाइस, डायरेक्टली कट लगा दीजिए फोटो में, सबसे आसान तरीका है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट बीट है, तो इस तरह से इस बीट पे आएंगे और फोटो पे क्लिक करेंगे, कैंची के ऑप्शन पे आएंगे, ट्रिम टू राइट एंड यहाँ से ओके। यहाँ पे बीट्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, काइन मास्टर में सबसे आसान है गाइस बीट्स ऐड करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेकंड बीट है, इस तरह से सेकंड बीट पे आएंगे और फोटो पे क्लिक करेंगे और कैंची के ऑप्शन पे आएंगे, ट्रिम टू राइट, आगे का पार्ट कट जाएगा एंड उसके बाद यहाँ से ओके। तो यहाँ पे आपको बीट्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, ठीक है। आप डायरेक्टली फोटो में बीट के हिसाब से कट लगा सकते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका है करने का, ठीक है। इस तरह से आप फटाफट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके ग्राफ दिख रहे हैं ऊंचा ऊंचा, ठीक है, उस तरह से आइए और वहाँ पर डायरेक्टली कट लगा दीजिए, जहाँ पे आपका बीट्स है वहाँ पर डायरेक्टली आइए और फोटो पे क्लिक करके कैंची पे जाइए, ट्रिम टू राइट एंड यहाँ से ओके। तो इस तरह से आप बीट्स के हिसाब से फोटो में कट आसानी से लगा सकते हैं और यहाँ पर म्यूजिक बीट्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सारे मेथड कैसे लगे, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब चलिए गुड बाय, टेक केयर।